हेलो दोस्तों वेलकम बैक टूअ चैनल गाइस हम लोग आज पड़ेंगे हेलोजन डेरेविटिव डेरिवेटिव्स के इजी ट्रिक बच्चों आपको याद ही होगा है डेरिवेटिव कितने के लिए है विद ऑप्शन विद ऑप्शन बच्चों वो सात मार्क का चैप्टर है राइट right? सात मार्क्स का चैप्टर विदाउट ऑप्शन तो पांच मार्क का ही है राइट right? तो सात मार्क्स के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे टोटल जो 98 एट मार्क का पेपर होता है विद ऑप्शन राइट तो फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स आपको बच्चों कितना पढ़ना है ये देखो इतना ही पढ़ना है आपको ये एक पेज ठीक है और ये पीछे वाला हाफ पेज बस इतना हो गया ये पूरा हेलोजन इसी, इसी, इसी तो डेरिवेटिव्स हो जाएगा जैसे हमने सॉल्यूशंस के लिए किया था बच्चों इसी तरह से हेलोजन डेरिवेटिव्स को भी लर्न करेंगे तो शुरू गाइस पहला इसलोजन डेरिवेटिव्स का फर्स्ट पार्ट दैट इज एग्जैक्टली क्या होते हैं क्या हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरिन पढ़ना है आपको तो जनरल फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है दैट इज आर सिंगल बॉन्ड एक्स एंड ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स ठीक है आर एक्स यानी हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन कौन कौन से हो सकते हैं हाइड्रोजन होता है बच्चों हाइड्रोजन है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है ये हेलोजन आपको याद रखना है एक्स यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अंडरस्टूड ओके अब ये आर यानी क्या बच्चों दैट इज अल्काइल ग्रुप एंड ए आर यानी अराइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप यानी सी एच थ्री सी थ्री सी टू एच फाइव ठीक है ये अल्काइल ग्रुप तो अगर अगर मैं सी ए को अगर एफ के साथ जोड़ दूं तो ये हो जाएगा वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन

ठीक है तो फर्स्ट वन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन पढ़ लेते हैं बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन ओके अब कार्बन स्केलेटन यानी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिखेंगे दैट इज अल्केन अल्केन में से एच रिप्लेस्ड बाय सी हेलोजन अल्कीन अल्काइंस तो सिंपल एग्जाम्पल्स आर दैट फर्स्ट वन इज हेलो अल्केन हेलो अल्केन्स सेकेंड वन हेलो अल्किन तीसरा है हेलो अल्काइंस एंड चौथा है बच्चों दैट इज हेलो अरिन्स ओके okay. अब यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं हेलो अल्केन्स जो मैंने एग्जांपल अभी यहाँ पे लिखे यही सारे एग्जांपल्स है हेलो अल्केन्स के अल्केन में से एच रिप्लेस बाय हेलोजन

नंबर ऑफ एक्स एटम्स ठीक है हेलोजन एटम्स एक तो हो सकता है सिंगल डबल या फिर टू uh, या फिर थ्री तो बेस्ड ऑन दिस वन दैट इज नंबर ऑफ हेलोजन एटम बच्चों क्या है मोनो हेलोजन कंपाउंड डाई हेलोजन कंपाउंड एंड ट्राई हेलोजन कंपाउंड मोनो हेलो हेलोजन कंपाउंड सेकेंड वन डेफिनेटली डाई हेलोजन एंड तीसरा है बच्चों दैट इज ट्राई हेलोजन

बराबर उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो एक हेलोजन लगा दो सी बच जाएगा और एक हेलोजन दैट इज मोनो हेलोजन इसमें से दो हाइड्रोजन हटा दो दो हेलोजन आ जाएगा तो सी एच टू सी एल टू डाई हेलोजन तीन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय थ्री हेलोजन सी एच सी एल थ्री देखो तो ड्राई हेलोजन डन सिंपल सी चीज है इतना इजी है ये चीज ठीक है फाइनली हमें बच्चों यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन किसके लिए पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइलोजन कंपाउंड मोनोहाइलोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है ठीक है? तो हैलोजन कंपाउंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइलोजन कंपाउंड ठीक है बच्चों क्या होगा सिर्फ एक ही एटम, है? एक ही ही ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड वन वन बाय एग्जांपल भी भी लिखते जाएंगे, टाइप भी लिखते जाएंगे जाएंगे टाइप पहला टाइप फर्स्ट टाइप ये जो है बच्चों देखो टोटल सिक्स टाइप्स है उसके या फिर मोनोहैलोजन type कंपाउंड के एक तो है अल्केन्स कहते हैं इसको हैलाइड ठीक है अल्काइल हेलाइड का जनरल फॉर्मूला याद रखना है सिंपली बच्चों जनरल फॉर्मूला दैट इज आर एक्स बराबर है अब अल्काइल हेलाइड है अलराइड फर्स्ट ऑल दीज टाइप्स सेकेंड वन दैट इज़ हेलाइड तीसरा है दैट इज़ बेंजाइलिक हेलाइड चौथा टाइप विच इज विनाइलिक विनाइलिखेलाइड 5 इज हेलो अल्काइंस जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा ही है हेलो अल्काइंस एंड 61 इज हेलो एरींस यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे रहेगा तब ओके okay, अब देखो अल्काइल हैलाइड अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप कौन से होता है CH3 C2H5 C3H7 ये याद रखो CH3 यानी मिथाइल ग्रुप सो मिथाइल ब्रोमाइड CH3CH2

ओके okay. अब उसके ऊपर कार्बन एटम और वो होल्ड कर रहा है हेलोजन है यानी या तो कार्बन, 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 सिंपल से याद रखना सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एक्स इतना याद रख दो आपको हो जाएगा आप यहां पे फिर कार्बन की वैलेंसी तो होती है चार दोस्तों आप एग्जाम्पल लिख पाओगे इसका देखो एग्जाम्पल सी एच टू

डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर ही अटैच होगा मैं यहाँ पे सिंपली एक्स लिख रहा हूं आप एक्स सी एल बी आर आई क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन कोई भी आप इमेजिन कर सकते हो वहां पे डन ये हो गया क्लासिफिकेशन तो ये जस्ट सिंपली स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद रखो द नेम्स आपका ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा ठीक है तो क्लासिफिकेशन तो खत्म हो गया हमने सारे क्लासिफिकेशन खत्म कर दिए अब चले जाते हैं फॉर द आई यूपीसी नेम्स ओके okay, नेम अब बहुत बार बच्चों को टेंशन आती है बॉस कि आई यूपीएससी नेम कैसे करें बच्चों एक ही चीज में बता दो यहाँ पे अगर आप केमिकल रिएक्शंस देख लो तो फिर केमिकल रिएक्शंस के लिए कुछ तीन से चार ही मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस होती है आपको तीन से चार मोलिक्यूलर फॉर्मुला याद रखने पड़ेंगे बच्चों कौन कौन से मोलिकुलर फॉर्मुला याद रखने पड़ेंगे मैं लिखा लिख के देता हूँ सी एच थ्री सी एल एक है सी एच थ्री सी एच टू बी आर बच्चो यहाँ पे हेलोजन चेंज हो सकता है सी एल होगा बी आर होगा आई होगा ये तो एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ठीक है CH3, CH, BR, CH3, और एक है एक बी आर ठीक है चलो ये चार कंपाउंड का फॉर्मुला याद रख लो अच्छे से बाय हार्ड कर लो अभी स्क्रीन पे है तो स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है एंड जस्ट बाय कर लो सी एच थ्री सी एल मिथाइल क्लोराइड क्लोरोन कहते हैं इसको आईयूपीएसी नेम्स लिख लेता हूं दैट इज क्लोरो मीथेन ठीक है क्लोरो मीथेन अब C3CH2Br ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है बच्चों ठीक है ये क्या है ब्रोमो इथेन अब शायद इथेन ग्रुप पे बी क्लोरीन आएगा तो क्लोरो इथेन आयोडीन होगा तो आयोडो इथेन इतना ध्यान में रखना है। अब ये Br सेकेंडरी कार्बन एटम पे है तो फिर ये 2 ब्रोमो प्रोपेन अगर आप लॉन्गेस्ट चेन देख लो बच्चों तो कितना कार्बन एटम है तीन कार्बन एटम वन टू एंड थ्री सेकंड पोजीशन पे बी आर तो टू ब्रोमो प्रोपेन ये मोरिकॉर्मला याद रखो बी आर के प्लेस पे सी एल हो सकता है या फिर आई हो सकता है, तो है। बारवी में टू ब्रोमो और टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन टू

ठीक है अब यहाँ पे अल्कोहल इज़ रिएक्टिंग विथ फर्स्ट HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है देन HCl सेकेंड रिएक्ट हो रहा है विथ NaBr इन प्रेजेंस ऑफ़ H2SO4 ठीक है थर्ड इट इज़ रिएक्टिंग विथ NaI इन प्रेजेंस ऑफ़ H3PO4 यानी HI फॉर्म होगा यहाँ पे HBr होगा वहां पे ऑलरेडी HCl है ही तीसरा रिएक्शन हो रही है पी थ्री से या फिर पी फाइव से यहाँ पे सी लेगा हेलोजन या सी uh, होगा तो पी सी थ्री पी फाइव ठीक है एंड फाइनली एसओ टू दैट इज थायोनाइल क्लोराइड राइट आप सब में बच्चों सब में आपको सिंपली मिलेगा दैट इज अल्काइल हैलाइड आर सिंगल बॉन्ड एक्स

ठीक है यहाँ पे NaBr H2 दिस uh, वन H2SO4 यहाँ पे क्या होगा बच्चों HBr रिएक्शन में फॉर्म होगा HBr मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये दैट इज़ HBr ठीक है तो फिर आपको क्या करना है आर दैट इज़ अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे Br लिख देना है NaH3PO4

ये इथीन है, वही है देखो ब्रोमो इथेन यहाँ पे क्लोरीन आएगा तो, क्लोरो इथेन, तो, इथेन, तो इसी से सारी रियक्शन आपको याद रखने होंगे अंडरस्टूड ठीक हाँ। है डन विद और नेक्स्ट अनिट्रिकल अल्किन है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू अगर जब वो एच बी आर के साथ रिएक्ट हो जाता है बच्चों तो एक रूल आता है उस रूल का नाम है मार्कोनिकॉफ रूल

बेंजोइल पेरोक्साइड होगा या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा सोडियम पेरोक्साइड होगा अब अपोजिट डायरेक्शन में आपको एडिशन मिलेगी यहाँ पे देखो डायरेक्शन बता देता हूँ बी आर साइड वाले कार्बन एटम पे तो फिर आपको प्रोडक्ट लिखना है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर दैट इज वन ब्रोमोप्रोपेन ठीक है वन ब्रोमोप्रोपेन क्लियर हो रहा है ये हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन डन तीसरा चले जाते हैं दैट इज थर्ड रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज हेलोजन एक्सचेंज यानी एक हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा बच्चों दूसरे हेलोजन के साथ ठीक है हेलोजन एक्सचेंज में कैसे होगा कि अल्काइल हेलाइट जो है ठीक है अल्काइल हेलाइट आर एक्स रिएक्ट हो रहा है दो डिफरेंट सब्सटेंस के साथ आपको याद रखना है वो दो डिफरेंट सब्सटेंस एक तो है एन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और दूसरा है एजीएफ ठीक है? है, अब होगा क्या बच्चों ये एक्स, वो कोई भी हो सकता है सीएल स्पेशली आई आयोडीन है तो यहाँ पे सीएल बी आर हो सकता है ओके? तो इन दोनों रिएक्शन का नाम भी है अलग बच्चों ये जो अल्काइल आयोडाइड फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं फिल्किस्टेंट रिएक्शन एंड इसको बोलते रिएक्शन ओके सिंपल है

सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक ओके इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्स रिएक्शन में बच्चों अल्काइल हेलाइड रिएक्शन होगी अल्काइल हेलाइड की अल्काइल uh, हेलाइड की नहीं होगी एक्चुअली अल्काइल बेनजिन की रिएक्शन होगी बेनजिन रिंग है ये

और ये टू ब्रोमोटोलिन एंड फोर ब्रोमोटोलिन ये उसका नाम है नाम नहीं भी लिखे तो चल जाता है राइट एंड फाइनली जो फिफ्थ है बच्चों रिएक्शन रिएक्शन दैट इज बच्चोंशन रिएक्शन में बच्चों क्या होगा यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखना है विद दी अराइल एनिलिन के साथ आपने सिंपली एनिलिन के साथ रिएक्शन लिख दिया कि एनिलिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला याद रखो बेंजीन रिंग है उसके साथ एनएच टू इसको बोलते हैं एनिलिन ठीक है एनिलिन को आपको रिएक्ट किससे करना है आपने रिएक्ट करना है एनएनओ टू और एच सी एल के साथ ठीक है टेम्परेचर रिया कंडीशन है 273 टू 278 केल्विन एट आपको सिंपली ये नाइट्रोन एक नाइट्रोजन इधर का और सीएल एन टू सी लिख देना है दैट इज कॉल्ड डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट फिर सेकेंड स्टेप में फिर अलग अलग रिएक्शन होगी जो मैं यहाँ पे कॉमनली बता देता हूँ पॉजिटिव चार्ज सी एल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया अब फाइनली बच्चों आपको लिखना है तीन डिफरेंट प्रोडक्ट ठीक है तीन डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे हो गए एक ये सी यू सी एल और एच सी एल के साथ रिएक्ट होगा एक सी यू बी आर और एच बी आर के साथ रिएक्ट होगा और एक रिएक्ट होगा के आई के साथ, के साथ. ठीक है अब देखो क्या करना है यहाँ पे या n2cl को रिप्लेस कर दो cl के साथ क्लोरोबेंजीन cu cl hbr आ गया hcl आ गया तो इधर लिखना है cl सेम वे इधर लिखना है ब्रोमो बेंजीन रिंग और br बेंजीन ki होगा तो बेंजीन रिंग एंड आयोडीन तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं टाइम जाएगा जस्ट आप समझ लो ये रिएक्शन को तो एक रिएक्शन करो एक पे दो फ्री है बॉस है कि नहीं तीन तो ये सारे प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गए तो हार्डली हमें दस मिनट लगे प्रिपरेशन मेथड खत्म करने के लिए देखो तो कितना प्रिपरेशन मेथड खत्म कर लिया हाइलोजन एक्सचेंज कंप्लीट कर लिया हमने हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम एल्कोहल्स डन विद दिस ठीक है चलो ऑलरेडी हमने प्रिपरेशन मेथड खत्म कर दिया अच्छा अचारा हमारा ये पार्ट तो खत्म हो गया अभी केमिकल प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कुछ टर्म्स uh, बच्चों याद रखने हमें जैसे कि प्लेन पोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट द लाइट विच ऑसिलेटिंग ओनली इन वन प्लेन सिंपली इतना ही याद रखो दैट इज ऑसिलेटिंग इन वन प्लेन बस खत्म हो गया इन वन प्लेन अब आप वर्ड तो लिख ही सकते हो द लाइट विच ऑसिलेटिंग ओनली इन वन प्लेन इज प्लेन पोलराइज लाइट खत्म ओके नेक्स्ट दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट हो गया दूसरा क्या है? वर्ड है ऑप्टिकल एक्टिविटी ओके okay, उसी के रिलेटेड है देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में अब ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी क्या तो हियर यू हैव टू राइट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट द कंपाउंड व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट और द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड व्हिच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट खत्म हो गया इतना ही वर्ड इंपॉर्टेंट है यही चीज आपको याद रखनी है

ओके रेजमिक मिक्सर जिसमें आपको क्या लर्न करना है इक्विमोलर मिक्सर्स ऑफ इन एनशोम मिक्सर्स ऑफ इन डन खत्म हो गया इक्विमोलर डिस्टेंस ऑफ इन मिक्सर्स ऑफ इन

ape 5 6 7 एंड ये लास्ट में लिखते हैं s yes, 8 ठीक है क्या-क्या लिखना है यहाँ पे पहले रिएक्शन होगा विद तो, एक्वियस NaOH -E KOH एक्वियस NaOH -E या फिर आप एक्वियस KOH लिख सकते हैं बच्चों उसके साथ हीट करना है क्या-क्या देखना है मैं मैं साइड में बता देता हूं सेकंडली इट इज रिएक्ट विद RON दैट इज सोडियम अल्कोक्साइड थर्ड इट इज रिएक्टिंग विद आर सी ओ ओ एच जी सिल्वर अल्कोक्साइड हीटिंग देनी है ठीक है फोर्थ इट इज रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक अमोनिया NH3 ठीक है हीटिंग वहां पे भी देनी है इट इज रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक KCN अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक AgCN देखो इतना सीक्वेंस याद रखो NaOH KOH RONa ROOAG अमोनिया के एजी के सी एन फिर आपने याद रखना है के एन टू फिर आपने याद रखना है एजी एन ओ टू ठीक है इन सब के साथ रिएक्शन होगा अब प्रोडक्ट क्या बनता है देखो अब यहाँ पे जो जो मेन सब्सटेंस है न्यूक्लियोफाइल है वो आपको लिखना है अल्काइल हैलाइड आर को निकाल देना है यार आर निकल गया OH गया गया आ OH, क्लियर हो ठीक है आर रिप्लेस बाईर आर ओ आर तो ईथर बन गया ठीक है सिंपली आपको ए को हटा देना बाकी सारी चीजें अटैच कर लो तो आर रिप्लेस बाई सी आर

ओके okay. तो टू स्टेप है ये तो दोस्तों आपको पता ही है ठीक है टू स्टेप में क्या क्या स्टेप लिखनी है वही चीज आपको तो okay. किसके साथ रिएक्ट करना है स्ट्रॉन्ग ऑन न्यूक्लियो यानी ओ एच माइनस बी आर को हटा दो ओ OH एच उसके प्लेस पे लग रो सी एच थ्री थ्राइज सी एच प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी आर एस एन वन है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट रेट एक्सप्रेशन भी लिख दो रेट इज इक्वल टू के इन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री थ्री टाइम्स सी R आर खत्म हो गया चलो इतना लिखेंगे आपको एक मार्क तो डेफिनेटली मिल जाएगा अब चले जाते हैं मैकेनिज्म की तरफ ठीक है मैकेनिज्म जिसमें हम लोगों को स्टेप लिखनी है एक्चुअली स्टेप वन एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टेप टू ओके स्टेप वन स्टेप टू अब स्टेप बच्चों क्या लिखना है अब आप पहले तो आ, आ, कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है यहाँ पे ठीक है तो ये आ गया सी एच थ्री थ्री टाइम सी पहली स्टेप जो कि रिवर्सिबल स्टेप है आपको लिखना है सेंट्रली कार्बन इधर सी थ्री लिख दो ये सी ये तीसरा सी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये बी जो है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है हटा दो सेपरेट कर दो उसको ब्रेक डाउन कर दो इसको कार्बन को पॉजिटिव चार्ज और बीआर को नेगेटिव चार्ज हो गया कार्बो फाइनली आपको ये कार्बो कैटायन सी CH3 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 पॉजिटिव चार्ज प्लस OH माइनस आइंस, अटैच करना है सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो अटैच हो ही जाएगा आपको लिख देना है CH3 2C OH डन इतना ही मैकेनिज्म आपको लिखना है हार्डली दो मिनट नहीं लगे बच्चों ये पूरा मैकेनिज्म करने के लिए जिसको आपको आधा-आधा घंटा एक-एक घंटा आप अब शायद लेते होंगे ठीक है चलो डन ये हो गया क्लियर अब चले जाते हैं SN2 मैकेनिज्म के लिए SN2 मैकेनिज्म अब SN2 मैकेनिज्म में बच्चों एक ही स्टेप की है वो तो और शॉर्ट है पहले तो हमें क्या लिखना है उसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल एस एन टू मैके लिए कैसे लिखेंगे दट इज प्राइमरी अल्काइल ठीक है प्राइमरी अल्काइल किसके साथ अटैच करना है ओ OH एच के साथ क्या करेंगे बी आर को रिप्लेस करेंगे ओ OH एच से बराबर सी एच थ्री सिंगल पॉइंट ओ एच प्लस बी आर माइनस आइन जैसे ये लिखा था वैसे यहाँ पे टर्शरी एस एन टू के लिए प्राइमरी अल्काइल अलकाइल

प्लस आपका दैट इज अल्काइल ग्रुप सी सिंगल बॉन्ड एच ये बी आर यहाँ पे आप अटैच कर दो ये एच एंड एच पहले फॉर्म होगा ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट में आपको एक्सप्रेस करना है दोनों चीजें यानी ये HO, ये ओ बी आर इधर एच पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट यानी ओ OH एच और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बी और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है फाइनली ब्रेक कर देना है वो बॉन्ड को हमें फाइनली कंपाउंड मिल बी आर बच्चो ये तीन वाक के लिए कंटेंट पूछते हैं ये दो मार्क के लिए ये एक मार्क के लिए एक मार्क के लिए और यहाँ पे ये तीन वाक के लिए पूछते हैं इतना लिखो एक मार्क ये स्टेप को एक मार्क ये स्टेप को एक मार्क तीन मार्क के लिए पांच मार्क्स है बच्चों दोनों मिला के देखो कितना हार्डली चार से पांच मिनट लगा हमें वो पूरा लर्न करने के लिए ठीक है हो गया हमारा सारा न्यूक्ट्यूशन रिएक्शन एंड ऑल ठीक है एलिमिनेशन रिएक्शन भी खत्म कर लेते हैं अभी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड देन रिएक्शंस ऑफ एलोअ इतना ही बचा है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शन में बच्चों क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड जो है इट इज रिएक्टिंग विद CH3 बी आर रियक्ट विथ

ओके okay. ये देखो ये अल्काइल हेराइड है इट इज रिएक्टिंग विद एक्वियस एनएओएच और एक्वियस केओएच अब केओएच वाटर में डाले तो अल्कोहल मिलेगा मेन प्रोडक्ट और वही केओएच अगर हम लोग अल्कोहल में डाल के सोल्यूशन बना ले तो वो बनाएगा अल्कीन ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखनी है एंड फाइनली हमारा एक और रिएक्शन है दैट इज रिएक्शंस विद मेटल ओके रिएक्शन विध मेटल में बच्चों क्या करना है हमें ओके रिएक्शन अल्काइल विलाइड रियक्ट विद फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनाट में रिएक्शन होगी आर एम जी एक्स सिंपल है एड कर देना है मैग्नेशियम को मैग्नेशियम को सेंटर में लिख दो प्रोडक्ट आपका बन गया ठीक है उसी तरह से अगर टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हेलाइड टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हेलाइड Rx react with 2 Na. ये भी रिएक्शन बच्चों ड्राई थर के प्रेजेंस में ही होगा इसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं दो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस टू एन एक्स और रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन एंड ये वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट जी फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल अलकाइल के रिएक्शन तो खत्म हो गए के रिएक्शन बस इतना सा टॉपिक बचा है हमने इतना ही टॉपिक हार्डली पांच मिनट लगेंगे टू डन द टॉपिक रिएक्शन ऑफ हेलोअर

ये रिएक्शन विथ मेटल है इन प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल ठीक है एंड ट्राई ये एक रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन एंड देन आफ्टर वुड्स फिटिक रिएक्शन सो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सी थ्री बी आर क्या होगा यहाँ पे सी की रिप्लेसमेंट होगी सी थ्री से ये आ गया इधर सी थ्री प्लस अब सी एच थ्री ले लेते हैं

क्या करना है दो बेंजिन रिंग को अटैच कर देना है विथ सिंगल बॉन्ड बैलेंस ही मेंटेन कर लो एंड देन ये अटैचमेंट ठीक है डन तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा बाईफिनाइल इस कंपाउंड को बाईफिनाइल कहते हैं। प्लस टू एनएसएल पहला जो रिएक्शन है पहला रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड सेकंड वन इज फिटिंग रिएक्शन ओनली ठीक है चलो डन ये क्लियर हो गया ये रिएक्शंस विद मेटल है ये दोनों रिएक्शंस अब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग हेलोरिंस का रिएक्शन पढ़ेंगे हेलोजेंस के साथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ठीक है उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एच एन और एच के साथ और एक और रिएक्शन है प्रिडक्राफ्ट रिएक्शन अब पहला हेलो हेलोजिनेशन तो क्लोरोबेंजीन क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो गया राइट right. उसके बाद ये रिएक्शन प्रेजेंट हुआ इन कैरी हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एफसीएल3 मैं ये स्ट्रक्चर बना देता हूं इधर ये देखो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे ही आपको बच्चों सब्स्टिट्यूशन बताना होगा ये सीएल आ गया एक और एक दूसरा प्री प्रोडक्ट दो आइसोमर्स मिलेंगे एक यहां पे

तो एक ही रिएक्शन में बच्चों सारे रिएक्शंस प्रिपेयर हो जाते हैं सी ए क्या करेंगे यहाँ पे तो Cl एल सेकेंड पोजिशन पे सी और फोर्थ पोजीशन पे सी अटैच कर देंगे ये CH3, ये CH3, ये सी C2H5Cl होता तो C2H5C, C2H5C2H5 C2H5, लिखते हैं एंड एक और सब्सटेंस है अगर हम लोग ये ले ले दैट इज CH3COCl, इसको एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं बच्चों तो यहाँ पे एच

होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ आएंगे तब तक बाय एंड टेक